पाल से है जहां खजुराहो से समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी। समाजवादी पार्टी इंडी गठबंधन में एसपी को खजुराहो सीट मिल गई है, यानी कि समझौता जो है वो गठबंधन के बीच में हो गया है। तो इंडी गठबंधन के बैनर तले समाजवादी पार्टी को खजुराहो सीट मिली है, ये डील डन हो गई है। मध्य प्रदेश के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सहमति बन गई है। ऐसे में खजुराहो सीट समाजवादी पार्टी को दे दी गई है लोकसभा चुनाव के लिए। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ग्वालियर में दिग्विजय सिंह ने लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ चुनाव लड़ने को लेकर दिग्विजय सिंह ने कहा कि वो राज्यसभा से सांसद हैं, उनके पास 2.25 साल का कार्यकाल है, ऐसे में लोकसभा चुनाव लड़ने का उनका इरादा नहीं है। सिंधिया जी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारों की कमी नहीं है। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं राज्यसभा का अभी सदस्य हूँ और 2.5 साल 2.25 साल मेरे पास और हैं, इसलिए अभी मेरा कोई इरादा लोकसभा चुनाव लड़ने का नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर बड़ा बयान दिया। उनका कहना था कि जिस सीट पर जो लोकप्रिय होगा उसे ही उम्मीदवार बनाया जाएगा। इसके साथ ही जीतू पटवारी ने 50% टिकट युवाओं को देने की बात कही है। ने अपनी लोकसभा की पूरी प्रिपरेशन टिकट वितरण की कर ली है, पैनल्स बन गए हैं, सही समय पे टिकट वितरण होगा। 50% टिकट हमने निर्णय लिया युवाओं को देंगे। युवाओं को मीन्स जो युवा कांग्रेस की परिधि में भी आते हैं और जो 50 साल से नीचे के होंगे। 50% टिकट कांग्रेस पार्टी नए लोगों को देगी, यूथ को देगी। और जहाँ तक प्रश्न है वरिष्ठ नेता जिसका, जहाँ हमारे टिकट वितरण में जो नाम से आए हैं और जिसका जहाँ लोकप्रियता है, जो सबसे अच्छा उम्मीदवार है, वो छोटा हो या बड़ा, कितना भी बड़ा नेता, सबको लड़ना है। उधर जीतू पटवारी ने लोकसभा चुनाव के टिकट को लेकर दिए बयान पर बीजेपी ने तंज कसा है। बीजेपी प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने कहा कि जहां दिग्विजय, कमलनाथ और सुरेश पचौरी जैसे नेताओं के हाथों में कमान हो तो वहां युवाओं की बात करना ही बेमानी है। पार्टी के नेता ही 77 साल 78 साल वाले बुजुर्गों जो नेतृत्व करते हो, जो पूरे पार्टी की कमान अपने हाथ में रखते हो। अभी भी हमने देखा जो 2 दिन पूर्व का घटनाक्रम हुआ, जो कमलनाथ जी की दल बदल की सारी शंकाएं, आशंकाएं, तमाम अटकलें चली और उसके बाद जिन शर्तों में वो रुके, तो वो शर्तें ही मध्य प्रदेश की कमान संभालने की थी। तब जब कमान ही कमलनाथ, दिग्विजय सिंह जी, सुरेश पचौरी जी ऐसे वरिष्ठ नेताओं के हाथ में, वो युवाओं की बात करना बेमानी। शिक्षा मंत्री ने जारी किया स्कूलों का रिपोर्ट कार्ड 2023-24।